तो अभी तो अंदर बुलाया नहीं है, तो जब बुलाएंगे हम देखेंगे क्या सब। और वो अपना बंदा लेगा, नल के ठीक अंदर ठाक गया बंदा हूँ, होगा। मुझे तो ये साफिया नज़र आ रहे हैं उसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी बी टू न्यूज़ एच डी के साथ आपका मेज़बान फरीत एहसान बलगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम सब डिवीज़न डगोनी एच डी ओ ऑफिस सब डिवीज़न डगोनी में मौजूद है। यहाँ आज महकमा बरक़ियात के मुलतवी होने वाली खाली आसामियों पर इंटरव्यू जारी है। यहाँ पे नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि जो इंटरव्यू हो रहा है वो मेरिट पर हो रहा है या इसमें कोई धांधली हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। नाम है? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन, तो आपने भी फॉर्म जमा किया है? जी किया हुआ है। जी, तो आपको क्या लगता है ये मेरिट बेस पे होगा या इसमें कोई धांधली होगा? हम लोग तो अभी तो अंदर बुलाया नहीं है, तो जब बुलाएंगे हम देखेंगे क्या सूरत हाल है, लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वज़ीर बरक़ियात मुश्ताक हुसैन साहब ये मेरिट पे फॉलो करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन कहाँ से? खरकोई स्किल से। तो क्या लगता है आपको, इसमें धांधली होगा या मेरिट पर होगा? मुझे लगता है बिल्कुल धांधली होगा, ये मिनिस्टर ने अपना बंदा लगाएगा और वो हिक्स और मसाबी का भी रंग लाएगा और वो अपना बंदा लेगा, ठीक ठाक धांधली होगा। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं इस वक्त एसडीओ ऑफिस सब डिवीज़न की बड़ी तादाद यहाँ पे जामे खाली आसामियों जो मुलतवी हुआ था महकमा वर्कियात के, वो अभी इधर इंटरव्यू जारी है। तो एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। जी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अंदर पैनल के अंदर गया हूँ। मुझे तो ये साफिया नज़र आ रहे हैं। इसमें जनरेटर मशीन मतलब पावर हाउस के हर सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं पैनल के लोग, तो मुझे तो लग रहा है ये फेयर तरीके से ये जॉब भर्ती होगा। जी, बहुत शुक्रिया।